लोक आस्था का महापर्व छठ उत्साह और उमंग के साथ सोमवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया। महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान के चौथे दिन सुबह छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ उदीयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आधी रात के बाद से ही जलाशयों के आसपास मेला जैसा नजारा देखने को मिला। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए दौरा में प्रसाद सजाकर छठ व्रतियों के साथ साथ हर कदम जलाशयों तालाबों की ओर बढ़ते दिखे। छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और ब्रह्मांड के कल्याण की कामना भगवान सूर्य से की। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने कॉलोनी आवासीय परिसर के बाहर बने कृत्रिम तालाब और अपार्टमेंट की छतों पर भी अस्थायी जलाशय निर्माण कर भगवान सूर्य की उपासना की। इस दिन घाटों पर गजब की चहल पहल थी। रंग बिरंगी साड़ियों में नाक से लेकर सिर के मध्य हिस्से तक सिंदूर लगाई सुहागन महिलाएं शोक में केला, सेब, नारियल, नारंगी, नाशपाती वगैरह सजाकर नदी, तालाबों, झरना आदि के पानी में घुसकर सूर्य को अर्घ्य दी हैं। गत शुक्रवार को नहाए खाए के बाद छठ व्रती महिलाएं उपवास रखी थी और करीब 36 घंटे से अधिक समय तक भूखी रहकर सूर्य की आराधना की है।